सब्सक्राइब कीजिए नंदा हार्दिक चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज लाइन डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट, यानी कि हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के जो लाइन डायग्राम है उसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं कोल स्टोरेज, जहाँ पे कोल जो यहाँ पे बर्निंग होने वाला है उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। उसके बाद में बताऊँ तो यहाँ पे उसके बाद आता है कोल हैंडलिंग प्लांट, जिसमें यहाँ पे कोल को हैंडल किया जाता है। मान लो कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है तो उसको क्रश करके यहाँ पे क्रशर के द्वारा उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में किया जाता है। और उसके बाद उसमें मान लो कि कोई लोखंड रह गया है, आयरन रह गया है, कुछ भी कमियाँ है, पत्थर है, तो उसको दूर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसको कोल को यहाँ पे डायरेक्टली प्योर कोल को यहाँ पे बॉयलर में डाला जाता है। जैसे ही यहाँ पे बॉयलर में जाएगा तो बॉयलर में कोल के द्वारा यहाँ पे जो वाटर होगा उसको यहाँ पे वो गर्म करेगा। और उसके बाद यहाँ पे वेट स्टीम, जो बॉयलर में अंदर पानी होगा उस पानी को वेट स्टीम, यानी कि जो वहाँ पे गीला पानी होगा उसको यहाँ पे, जो गीली हवा होगी उसको यहाँ पे जाता है सबसे पहले सुपर हीटर में। तो सुपर हीटर का काम ये है कि यहाँ पे सुपर हीटर है वो यहाँ पे इस वेट स्टीम को यहाँ पे हीट करता है। उसके बाद यहाँ पे उसको हीट करने के बाद यहाँ पे हमें मिलती है ड्राई स्टीम। ये ड्राई स्टीम को लेके ये डायरेक्टली ड्राई स्टीम होती है वो टर्बाइन में जाती है और ये टर्बाइन को घुमाता है। हमें यहाँ पे ड्राई स्टीम क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मान लो कि वो टर्बाइन है तो उस टर्बाइन को यहाँ पे जंग ना लग जाए, उसके वजह से यहाँ पे हमें ड्राई स्टीम चाहिए। उसके बाद में बताऊँ तो यहाँ पे उसको टर्बाइन को मैकेनिकल कपल किया जाता है अल्टरनेटर के साथ। उसको अल्टरनेटर के साथ कपल करके उसके बाद में बताऊँ तो यहाँ पे दूसरा भी कपल होता है, वो है यहाँ पे एक्साइटर। अभी एक्साइटर का काम मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक्साइटर वन टाइप ऑफ डीसी जनरेटर है, जिसको यहाँ पे अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग के लिए जितना प्रवाह उसको चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, वो यहाँ पे एक्साइटर के द्वारा उसको फील्ड वाइंडिंग को प्रोवाइड होता है। उसके बाद यहाँ से अल्टरनेटर में से हमें यहाँ पे एसी प्रवाह मिलेगा। इस एसी प्रवाह को हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप अप करके आगे ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ले जाएंगे आइसोलेटर में, यहाँ पे आता है आइसोलेटर। उसके बाद यहाँ पे हमें जो शुरू हो गई है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे अल्टरनेटर से स्टार्ट हो गई है। तो हमें यहाँ पे आइसोलेटर, उसके बाद यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के बाद हमें यहाँ पे मिलने वाला है दूसरा आइसोलेटर, जो दोनों तरफ से हम यहाँ पे इसको आइसोलेट करके सर्किट ब्रेकर के द्वारा यहाँ से उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद बताऊँ तो यहाँ पे आता है डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन बस बार, जहाँ से हम यहाँ पे वो उसको ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ से जो पावर उत्पन्न, जो एनर्जी यहाँ पे एनर्जी हुई है उत्पन्न, उसको हम डायरेक्टली ट्रांसमिशन के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊँ तो जो यहाँ पे पूरी साइकिल हो गई है, हमें इलेक्ट्रिकल साइकिल यहाँ पे खत्म हो गई है। उसके बाद बताऊँ तो यहाँ पे जो बॉयलर है उसके अंदर जो हम यहाँ पे एस होगी, जो यहाँ पे बॉयलर के अंदर जो कोल डाला था उसकी एस को यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे एस हैंडलिंग प्लांट में ले जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे उस एस हैंडलिंग प्लांट में उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद बताऊँ तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें यहाँ पे एस स्टोरेज में वो एस को लेके स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो मान लो कि कोई ईट बनाता है उसको यहाँ पे जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट उसको यहाँ से भेज दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो डायरेक्टली यहाँ पे बॉयलर है तो बॉयलर में से हमें फ्लू गैसेस मिलेंगे। यहाँ पे वेट स्टीम तो यहाँ से चली गई, उसके बाद फ्लू गैसेस, उसका मतलब है कि ये जो कोल है वो यहाँ पे जितना ही ज्वलन होगा उसके हिसाब से वहाँ पे हमें यहाँ पे गैसेस उत्पन्न होंगे। तो उस गैसेस को हम यहाँ पे सुपर हीटर में भेज देंगे, यानी कि यहाँ से सुपर हीटर में से ये वेट स्टीम को ड्राई स्टीम करने में यहाँ पे हमें फ्लू गैसेस मदद रूप हो गए। जैसे ही इसको यहाँ पे सुपर हीटर में से पास उसका काम खत्म हो जाएगा, उसको आगे भेज दिया जाएगा और वो होगा इकोनोमाइजर। हमें यहाँ पे इकोनोमाइजर में इसको भेज दिया जाता है। अभी जो पानी हमें बॉयलर के लिए स्टीम बनाने के लिए चाहिए वो यहाँ इकोनोमाइजर में से आता होगा। तो इस फ्लू गैसेस को सुपर हीटर, उसके बाद इकोनोमाइजर में भेज दिया जाता है। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो पानी आता है वो हॉट होके आएगा, गर्म होके आएगा। उससे हमें यहाँ पे
कम कोल यहाँ पे कम से कम यहाँ पे हमें पानी को गर्म करना पड़े, उस तरह यहाँ पे हमें इसको फीड करना है वो हीटर। हमें तो यहाँ पे चाहिए स्टीम बनाने के लिए गर्म पानी, तो यहाँ से गर्म पानी हमें मिलता रहेगा जो फ्लू गैसेस के द्वारा इकोनोमाइजर में से होके आता रहेगा। अब इकोनोमाइजर में पानी कहाँ आएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, उसके पहले मैं इकोनोमाइजर के बाद यहाँ पे बात करता हूँ, वो है यहाँ पे एयर प्रीटर। अभी एयर प्रीटर में हम क्या करते हैं, एयर प्रीटर में जो यहाँ से एयर होती है उसको यहाँ पे प्रीहीट यानी कि यहाँ पे सबसे पहले उसको हीट किया जाता है। अभी उसके बाद मैं बताऊँ तो यहाँ पे एयर प्रीटर में से जो यहाँ पे फोर्स्ड फैन है उसके द्वारा यहाँ पे मान लो कि अभी यहाँ पे एफडी फैन है उसके द्वारा यहाँ पे हमें फैन से यहाँ पे एयर बाहर की जो एयर है उसको यहाँ पे फीड किया जाता है एयर प्रीहीटर में, और उसके बाद यहाँ से जो भी गर्म हवा यानी कि जो गर्म हवा होगी उसको हम वापस यहाँ पे बॉयलर में भेज देते हैं हॉट एयर को, ताकि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा पानी को गर्म कर सके उसी रिसाइकल को करके। उसके बाद मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो भी उसके बाद भी फ्लू गैसेस में से जो बाकी हवा रह गई होगी उस गैसेस को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर में भेज देंगे, यानी कि यहाँ पे जो फ्लू गैसेस हमें लास्ट में सुपर हीटर इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर में से पास होके आए होंगे उसमें काफी कुछ ऐसी गैस रह गई होगी, उसको हम इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर में यहाँ पे हम जमा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से उसको डायरेक्टली आईडी फैन के द्वारा इंड्यूस ड्राफ्ट के द्वारा हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको चिमनी में भेज देंगे, और चिमनी में से जो भी यहाँ पे चिमनी में से हम डायरेक्टली उसको एयर यानी कि हम हवा में उसको छोड़ देंगे। उसके बाद मैं बताऊँ तो यहाँ पे टर्बाइन आता है, तो टर्बाइन में से जो हम यहाँ पे मैकेनिकल कपल करके अल्टरनेटर को तो हम घुमा देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे टर्बाइन में से जो स्टीम बची होगी उसी स्टीम को यहाँ पे हम लेके आते हैं कंडेंसर में। अभी कंडेंसर में हम क्या काम करेंगे, जो ये स्टीम आई है उस गर्म स्टीम को यहाँ पे जो ड्राई स्टीम तो होगी लेकिन उसके साथ ये स्टीम गर्म भी होगी, तो गर्म स्टीम को हम यहाँ पे कंडेंसर में लाते हैं और कंडेंसर में उसको हम यहाँ पे ठंडा करते हैं। अब ये ठंडा कैसे होगी तो उसके बारे में बताता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिवर होती है तो रिवर के नजदीकी पावर प्लांट होगा तो उससे हम पानी खींचते हैं, और इसी पानी को हम यहाँ पे पंप हाउस से लेके उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे कंडेंसर में ले जाते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे पानी कंडेंसर में जाता होगा ये डायरेक्टली स्टीम होगी उस स्टीम को यहाँ पे ठंडा कर देगी, और जो यहाँ पे पानी पंप हाउस से आया होगा वो हॉट हो जाएगा तो उसको हम डायरेक्टली रिवर में भेज देंगे। अब मान लो कि यहाँ पे रिवर में पानी कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कूलिंग टावर का उपयोग करेंगे, यही पानी को हम डायरेक्टली कूलिंग टावर से लेके डायरेक्टली यहाँ पे पंप हाउस से लेके वापस इसी साइकिल में कंडेंसर में डाल देंगे ठंडा हो गया होगा तो। उसके बाद मैं बताऊँ तो यहाँ पे कूलिंग टावर का मतलब क्या है, कूलिंग टावर हमें यहाँ पे जो पानी हमारा हॉट है उसको हम डायरेक्टली बड़े बड़े ऐसे टावर बनाए होंगे उसके ऊपर से हम पानी को फेंकेंगे और यहाँ पे एयर की मदद से यहाँ पे पानी को ठंडा किया जाएगा, और उसके बाद उसी पानी को हम वापस यहाँ पे कंडेंसर में यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारा पानी वेस्ट नहीं होगा उसको हम वापस यूज कर सकते हैं। अभी उसके बाद मैं बताऊँ तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आता है कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप। अभी वो क्या करता है, ये जो स्टीम है वो स्टीम ठंडी हो गई होगी और पानी पार्टिकल्स में होगी तो उसको हम यहाँ से खींचेंगे। अभी उसको खींचने के बाद यहाँ पे मान लो कि कोई रिवर है तो हमें यहाँ पे बॉयलर के लिए जो पानी चाहिए स्टीम बनाने के लिए वो हम यहाँ पे रिवर से पंप में लेंगे। अभी पंप में तो हम ले ही रहे हैं लेकिन यहाँ पे उसको वो जो पानी आ रहा है उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि उस पानी में काफी सारा ऐसा कुछ होगा जो यहाँ पे बॉयलर के लिए उसके पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे जंग ना लग जाए, उसको हम ट्रीटमेंट करने के बाद उसको वापस हम ले जाएंगे यहाँ पे फीड वाटर हीटर में। अभी फीड वाटर हीटर में यहाँ पे जो ये स्टीम आई है उसी स्टीम को पानी बन गया होगा, उस पानी को हम यहाँ पे कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप के द्वारा इसको खींच के यहाँ पे वापस फीड वाटर हीटर के साथ ही यहाँ पे भेज देंगे। अभी यही पानी डायरेक्टली जाएगा यहाँ पे बॉयलर फीड पंप में। अभी जो बॉयलर में पानी आ रहा है वो यहाँ पे बॉयलर फीड पंप से हम खींच के डायरेक्टली यहाँ पे इकोनोमाइजर में डालते हैं, तो अभी यहाँ पे इकोनोमाइजर में भी ये पानी चला जाएगा। उसके पहले जो ये टर्बाइन में पानी बचा होगा उसी पानी को हम डायरेक्टली यहाँ पे फीड वाटर हीटर में भी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो कहा था वही हुआ, यहाँ पे बॉयलर फीड पंप में यहाँ पे डायरेक्टली पानी को हम खींच के डायरेक्टली इकोनोमाइजर में डाल देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो पानी आएगा
वो पानी यहाँ पे फ्लू गैसेस की मदद से ये गर्म भी हो गया होगा और उसको हमें यहाँ पे ज्यादा गर्म नहीं करना पड़ेगा, उससे हमारा कोल भी बचेगा और यहाँ पे हम ऐसे ही रिसाइकल करते रहते हैं उसको। उसके बाद मैं बताऊँ तो यहाँ पे ये हमारी साइकिल खत्म हो गई, इकोनोमाइजर में भी आ गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको यही वीडियो गुजराती लैंग्वेज में चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको गुजराती लैंग्वेज में भी लेके आऊँगा। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मेरे से जितना हो सकेगा मेरी जितनी जानकारी मुझे मिलेगी इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा और कमेंट में उसका आंसर भी दूंगा।